हम बातचीत कर रहे हैं अब ठाकुर अत्तरलाल पहली बार हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं, मात्र 1700-1800 वोटों से कहीं कहीं इनको हार का सामना करना पड़ा। अटेली विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे 54,000 से भी ऊपर मत दे करके और जिताया, परंतु सरकार ने जिताया 14 राउंड तक मैं आगे चलता रहा और इन्होंने नियमों के विरुद्ध जा करके इलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करके मतलब 1.25 घंटा तक मतगणना बंद रखी। तो हमने आरओ साहब को दिया, लिखित में दिया और आरओ साहब को जब से उन्होंने 4 राउंड का 2 मिनट में ही रिजल्ट करके और इसको डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो हमने मतगणना की एप्लीकेशन लगाई कि मतगणना दोबारा होनी चाहिए और एसडीएम ये जो आरओ साहब थे इन्होंने हमारी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं किया, हमको दबाव बनाया कि भाई दस्तक रहो, हमने कोई दस्तक नहीं किया और हम वहाँ से मतलब निकाल दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमको जीते हुओं को जो हराया वो सरकार की बदनीति से, सरकार की तानाशाही से, सरकार के हेराफेरी से, धांधली से और गड़बड़ी से हमको हराया गया। तो आपने साइन किए नहीं और आरती राव जीती कैंडिडेट मान ली गई है, तो क्या कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी तानाशाही है, किस्म की तानाशाही है। और जो सर्टिफिकेट हमको मिलना था जीते हुए का वो उन्होंने आरती राव को दे दिया। इस इलेक्शन को सेट असाइड करवाएंगे और दोबारा इलेक्शन होगा और उसमें जनता फिर हमको जिताएगी। राव इंद्रजीत ने यहाँ मतलब 10 दिन यही पड़े रहे, वो गली गली में जा करके, डोली डोली पर जा करके, कुआ कुआ पर ढंड ढाणी जा करके उन्होंने बहुत जनता को दबाव बनाया, अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया। जितने सरपंच थे मतलब 60 सरपंच हमारे साथ थे और 60ों में से जो है ना उन्होंने मतलब दबाव ऐसा बनाया सरपंचों पर, 40 सरपंचों पर, वो जो है ना एंड टाइम पर 40 सरपंच हमारा साथ छोड़ गए। और हमको इतना भरोसा नहीं था कि भाई ये नंगा नाच मतलब इस तरह की गड़बड़ियां ये कर सकते हैं, लोकतंत्र में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। पर जब वहाँ बैठ करके देखा हमने तो मतलब सरेआम गड़बड़ियां की, मतलब जो है ना 1.25 घंटा का ये उमदा रिकॉर्ड है, 2 बार कैमरे भी बंद किए इन लोगों ने। अपनी अटेली विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको मैं आग्रह करता हूँ कि भाई तैयार रहो, मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है और ये इलेक्शन सेट असाइड कभी भी हो सकता है। राजनीति में कोई बड़ा नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ और विधानसभा अटेली। और दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें, दक्षिण हरियाणा की राजनीति कुछ अलग तरीके की होती है, सबको भली भांति पता है। 3 बार बीजेपी सत्ता में आई है तो दक्षिण हरियाणा की वजह से ही 3 बार सत्ता में आई है। लेकिन आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो 3 बार चुनाव लड़े हैं, जनता ने फुल बहुमत दिया है, दिल खोल के दिया है, हर घर, हर दरवाजे, हर दहलीज पे और हर शख्स को छोटे से लेके बड़े तक को ये जानते हैं भली भांति और लोग इनको अच्छी खासा पहचानते हैं, जानते हैं। 2014 में चुनाव लड़े, उसमें ये निर्दलीय प्रत्याशी थे, उस समय 4,500 के समथिंग वोट आए। 2019 में लड़े सीताराम यादव के खिलाफ, उस समय 37,000 से कुछ ज़्यादा वोट आए। अब की बार राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के सामने ये चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 1700-1800 वोटों से कहीं कहीं इनको हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं अब ठाकुर अत्तरलाल पहली बार हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं, पहले तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के बारे में क्या इनकी राय है और जनता के बारे में
ये क्या सलाह रखते हैं अपनी अटेली विधानसभा क्षेत्र के बारे में? ठाकुर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ टू। सर, मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और अटेली विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे 54,000 से भी ऊपर मत दे करके और जिताया, परंतु सरकार ने जिताया। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि जिताया। ठाकुर रतनलाल जी हमारे साथ बहुत ही सेंसियल, जनता बड़ा प्यार देती है, बड़ा चाहती है इनको, आप कह रहे हैं जिताया, कुछ समझ नहीं है। हाँ जी, मेरे को इतना वोट दे करके जिताया और 14 राउंड तक मैं आगे चलता रहा और इन्होंने नियमों के विरुद्ध जा करके इलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करके मतलब 1.25 घंटा तक मतगणना बंद रखी और बंद रखने के बाद जो EVM आई वो सारी की सारी VC8 थी और उनमें जो था 99% चार्ज थी। तो हमने RO साहब को दिया, लिखित में दिया और RO साहब को जब से उन्होंने 4 राउंड का 2 मिनट में ही रिजल्ट करके और इसको डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो हमने मतगणना की एप्लीकेशन लगाई कि मतगणना दोबारा होनी चाहिए और SDM ये जो RO साहब थे इन्होंने हमारी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं किया, हमको दबाव बनाया कि भाई दस्तक रहो, हमने कोई दस्तक नहीं किया और हम वहाँ से मतलब निकाल दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमको जीते हुओं को जो हराया वो सरकार की बदनीति से, सरकार की तानाशाही से, सरकार के हेराफेरी से, धांधली से और गड़बड़ी से हमको हराया गया और उसकी हमने जो है ना इलेक्शन पिटीशन चुनाव आयोग में डाली हुई है। आपने साइन भी नहीं किए। अगर प्रत्याशी अगर दूसरा चुनाव लड़ रहा है वो साइन नहीं करता है जब तक जीत डिक्लेयर कर नहीं सकते हैं रूल के हिसाब से, तो हम तो आपने साइन किए नहीं और आरती राव जीती कैंडिडेट मान ली गई है तो क्या कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी तानाशाही है, एक किस्म की तानाशाही है एक, और जो सर्टिफिकेट हमको मिलना था जीते हुए का वो उन्होंने आरती राव को दे दिया, तो एक किस्म का एक तरफा हाँ छीन करके वो उस सर्टिफिकेट को ले गए और हमने जो है ना SDM साहब को लिखित में कहा कि मतगणना दोबारा होनी चाहिए और उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इतना मतलब प्रेशर में थे कि हमारी तरफ आँख ही नहीं मिला रहे थे। तो आपको लगता है वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत और सरकार के प्रेशर? हाँ, तो वो वहीं बैठे थे जो है ना कहीं रेस्ट हाउस में और बार बार DC महोदय आकर के और वो खुद मतलब जो है ना इतना ये उसमें दबाव में थे कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। और उन्होंने जब हमने कहा कि भाई जो है ना ये मतगणना दोबारा करवाई जा और ये गलत जो हर राउंड की सीट होती है, रिजल्ट सीट होती है, वो हर एजेंट को देनी होती है, तो इन्होंने हर राउंड की रिजल्ट सीट नहीं दी और 4 राउंड का तो 1-2 मिनट में ही करके उन्होंने जो है ना रिजल्ट हमारे जो विपक्ष में जो लड़ रही थी उसके फेवर में, आरती के फेवर में दे दिया जी। हमारे साथ ठाकुर रतनलाल खास बातचीत में मौजूद हैं और ये कहने के आते हैं, दुखी हैं, ये कहते हैं कि ना हमने कोई साइन किया, 2 मिनट में लास्ट में इन्होंने जीत डिक्लेयर कर दी जी, बड़ी गड़बड़ और धांधली का ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और अब तक कोई सुनवाई हुई, कोई ऊपर से आदेश आया भाई साइन कर दीजिए आप या फिर दोबारा काउंटिंग होगी कुछ ऐसा? जब भी उन्होंने कहा तो हमने बिल्कुल मना कर दिया कि जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगी हम साइन नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं करवा करके और हमको मतलब एक टेरिफाइड सा किया, तो हम वहाँ से आ गए और उन्होंने एक तरफा ही जो है ना उसको विजय घोषित कर दिया था। ठाकुर साहब, आप घर घर गए हो, गांव गांव गए हो, तो आप कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, तो जनता का तो इसमें कोई दोष नहीं है? फिलहाल जनता ने तो भरपूर जन समर्थन, हाँ बहुत जन समर्थन दिया जी मुझे जनता ने। और अब भी जो हमारे लगभग 54,000 से भी ऊपर के जो साथी हैं जिन्होंने मत दिया और उनके परिवार के भी मतलब 3-4 लाख ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो सीधा सीधा इस वोटिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने मतलब खाना तक नहीं खाया उस दिन। अब भी उनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि हम हार रहे हैं, अब भी मतलब ये है कि भाई पता नहीं कैसे मतलब हमें से जो ना सर्टिफिकेट छीन के ले गए, तो बहुत दुख हो रहा है, लोगों के गोडा से टूट रहे हैं, परंतु हम हिम्मत रखे हुए हैं और हमारा ये है कि भाई यहाँ इलेक्शन कमीशन में गए हैं
वहाँ से हमको रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद है, और वहाँ से नहीं मिलती है तो इलेक्शन पेटिशन में जाएंगे और इस इलेक्शन को सेट असाइड करवाएंगे और दोबारा इलेक्शन होगा और उसमें जनता फिर हमको जिताएगी। तो आप गांव-गांव गए हैं, घर घर गए हैं, तो क्या जैसे आपको रुझान देख आपके प्रति क्या रुझान देखने को मिला, और बाकी कैंडिडेटों के प्रति भी आपको जरूर? जनता का एक तरफा प्यार था जी, जनता की भावना बहुत मेरे प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण थी, और जनता ने अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के ये वोट दिए 54,000 जो थे ना, और जनता किसी के झांसे में नहीं आई। और राव इंद्रजीत ने यहाँ मतलब 10 दिन यहीं पड़े रहे वो, और गली गली में जा कर के, डोली डोली पर जा कर के, कुआ कुआ पर ढंड ढंड जा कर के उन्होंने बहुत जनता को दबाव बनाया, अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया, और वो बहुत भारी दुरुपयोग करके जो है ना वो इस चुनाव में जो है ना चुनाव उन्होंने लड़ा, बहुत दुरुपयोग किया है इस चुनाव में। जनता पे दबाव बना तो क्या जनता ने अटेले की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दबाव माना? हाँ, जो इतने बोर्ड जो दिखा रहे हैं ना, तो ये मतलब दबाव में ही, जब मंत्री आ जाता है किसी के पास आता है, और वो जो ना जितने सरपंच थे मतलब 60 सरपंच हमारे साथ थे, और 60ों में से जो है ना उन्होंने मतलब दबाव ऐसा बनाया सरपंचों पर, 40 सरपंचों पर, वो जो है ना एंड टाइम पर 40 सरपंच हमारा साथ छोड़ गए। लेकिन फिर भी आप अच्छे खासे मत, उसके बाद आप सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी हमें छल कपट से हरा दिया। ये तो बिल्कुल सत्य है सर, छल कपट से हराया है, पर जो वोट हमको मिला वो सच्चा मिला, सच्चा जो जनता ने किसी की मानी नहीं, और जनता के मतलब ये दिल में था कि अब कातरलाल जीतना है, और यही जनता मतलब सोच रही है कि भाई ये जो रिजल्ट जो है, इतने मेरे पास फोन आते हैं कि जी आपने को मतलब गड़बड़ी से हराया है, तो जनता में भी एक मतलब आत्मा में, जनता की आत्मा में ये प्रकाश आ रहा है कि भाई हमको गड़बड़ी से हराया गया, और एक्चुअल हम वहाँ बैठे थे तो हमारे सामने तो गड़बड़ियाँ हुई, धांधली हुई, और जो 1.25 घंटा मतगणना रोकी वो मतलब कोई प्रोसीजर ही नहीं है, जिसने भी मतलब पेशाब जाना है, पानी पीना है, तो अल्टरनेटिव स्टाफ होता है वो वहाँ लगे, किसी ने खाना खाना है तो अल्टरनेटिव स्टाफ लगे, तो 1.25 घंटा इन्होंने मतगणना रोक करके ईवीएम को हैक किया इन लोगों ने, और उसकी चार्ज किया या जो भी उन्होंने करना था, एक गड़बड़ियाँ की, धांधली की, और ये धांधलियों का पुख्ता सबूत है कि बैटरी जो थी ना 31 बूथों की बैटरियाँ 99% चार्ज थी। तो ठाकुर रतलाल हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, इन्होंने चुनाव आयोग पर कहते भरोसा है और री चुनाव दोबारा करवाएंगे, काउंटिंग में हैं, अगर दोबारा होती है तो उसमें हमारी जीत क्लियर है, और कहते हैं कि जनता जनार्दन पे इन्होंने बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन फिर भी जनता ना प्रेशर में आई ना दबाव में आई। ठाकुर साहब कहते हैं कि जनता ने पूरा जन समर्थन दिया, दिल खोल के वोटिंग की हमारे पक्ष में, लेकिन ये कहते हैं कि आखिर में आके तंत्र पंत्र से हार गए हम, वहाँ आके कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ा। आपको पहले से अंदाजा नहीं था राजा जी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, राव इंद्रजीत राजा जी घराने से राज परिवार से आते हैं और उनके सामने ठाकुर रतनलाल चुनाव लड़ रहे हैं? जनमत से बड़ा उत्साहित था, और हमको इतना भरोसा नहीं था कि भाई ये नंगा नाच मतलब इस तरह की गड़बड़ियाँ ये कर सकते हैं, लोकतंत्र में इस तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, पर जब वहाँ बैठ करके देखा हमने तो मतलब सरेआम गड़बड़ियाँ की, मतलब जो है ना 1.25 घंटा का ये उमदा रिकॉर्ड है, 2 बार कैमरे भी बंद किए इन लोगों ने, और जो स्ट्रॉन्ग रूम जो खोलते हैं शुरुआत में तो एजेंटों के सामने खोलते हैं उसकी सील, तो स्ट्रॉन्ग रूम की सील भी एजेंटों के सामने नहीं खोली, पता नहीं अधिकारियों ने अपने आप क्यों खोला उसको, जबकि हर मतगणना में ये है कि जो एजेंट होते हैं इलेक्शन एजेंट उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं, सील दिखाते हैं जब वो होता है, तो उन्होंने मतलब स्ट्रॉन्ग रूम भी जो है ना एजेंटों के सामने नहीं खोला। और ये बहुत काउंटिंग दोबारा आपको कितना भरोसा है, कितना आपके दिल में विश्वास है सरकार और तंत्र? रिकाउंटिंग भी और ये इलेक्शन रद्द हो, जो 31 बूथों का इलेक्शन रद्द हो और यहाँ मतलब जो है ना दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, हमारी ये पेटिशन है, हमारी पेटिशन ये है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए जो है ना। ठाकुर साहब बड़ा लंबा पीरियड रहा है आपका, 2014 में चुनाव लड़े,
निर्दलीय थे, पहली बार आपने कदम रखा था, उस समय भी आप 3-4-5 हज़ार वोट लेके गए थे, उसके बाद आप 37 हज़ार वोट सीताराम यादव के सामने आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद अब आरती राव के सामने 54 हज़ार 55 हज़ार वोट लेके जा रहे हो आप, कितना लंबा पीरियड में कैसे देखते हो आप अटेली को लेके? आप ये सारा भी मेरा इलेक्शन जनता ने लड़ा और जनता के काम के लिए ही मैं जो है ना, जो असल में तो मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा जीवन समर्पित है जनता के प्रति, और उस समर्पित जीवन को देख करके ये इलेक्शन जनता ने ही लड़ा है, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं आने दिया जनता ने, तो मैं बहुत अपनी अटेली विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको मैं आग्रह करता हूँ कि भाई तैयार रहो, मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है और ये इलेक्शन सेट असाइड कभी भी हो सकता है और फिर अपने को जो है ना इलेक्शन में जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए सारे मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ इलेक्शन के लिए तैयार रहो, अपनी जो है ना सेना की तरह तैयार रहो। ठाकुर साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, दोबारा काउंटिंग होगी शायद, दोबारा चुनाव की अपने मांग करके दोबारा चुनाव हो जाए, लेकिन आपको लगता है सामने राव इंदर जीते हैं, अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस में अच्छा खासा दबदबा था उनका, और हम भारतीय जनता पार्टी की बातचीत करें इसमें भी अच्छा खासा दबदबा है, उन्होंने 8 कैंडिडेट अपने उतारे थे, 8 को आराम से बड़े आसानी से जीता के लेके चले गए, कहते हैं लक्ष्मण सिंह यादव रिवाड़ी से हारेगा कोई वजूद नहीं है, लेकिन अच्छे खासे इतने लंबे मार्जिन से वो वहाँ से जीत गए, अटेली से अनिल यादव जीत गए, तो बड़ा नहीं है राजनीति में, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो बड़ा नहीं है, बड़ा काम होता है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया जनता का, तो इसलिए मारे मारे फिरे हैं, बहुत दबाव से, बहुत रोड से और बहुत गड़बड़ी से जीते हैं, और जनता ने इनका जो बड़पन था वो धो दिया बिल्कुल। जनता में एक बात तो अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है कि ठाकुर सामने राज घराने के जो बड़े राव इंद्रजीत जैसे राजा, वो सड़कों पर लेके आ गए उनको, हर गली कोपचे में अब की बार घूमना पड़ा उनको, छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टूबलों पे, हर जगह वो पहुंचने पहुंचे हैं, तो कहते हैं ठाकुर साहब का ही कमाल है कि उन्होंने यहाँ इतने बड़े परिवार को कहीं नहीं, ये तो जनता का धमाल है, जनता का धमाल है ये कि जनता ने ये ठान रखा था कि अतरलाल को जिताना है, और ये भान जो था ये राव इंद्रजीत सिंह को भी हो चुका था, तो उन्होंने मतलब ये था कि भाई गली गली में जा करके प्रेशर करके अपना जो कैबिन सेंटर में मंत्री हैं उसकी धौंस दिखा करके सरपंचों को बहका करके डरा करके उन्होंने ये जो है ना जो वोट लिए, इतने वोट जो लिए, ये बिल्कुल ज़बरदस्ती जो लिया। और बीजेपी की अच्छी खासी लहर होती है अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें तो, आपने कभी ट्राई क्यों नहीं की बीजेपी पार्टी से, हम वहाँ से चुनाव लड़े आपको टिकट भी मिल जाती बड़ी आराम से, क्योंकि आप जिताऊ कैंडिडेट हैं और हर पार्टी देखती है भाई हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, कांग्रेस का तो हम शुरू से कहते हैं भाई 17 साल के इतिहास में कांग्रेस का ज़्यादा वजूद नहीं रहा, चौटाला परिवार का भी अहिरवाल क्षेत्र में कोई खासा खासा वजूद नहीं रहा, चौधरी मंझलाल परिवार का कोई वजूद नहीं रहा, चौधरी भजनलाल परिवार का भी अहिरवाल क्षेत्र में कोई वजूद नहीं रहा है, वो वोट दिए 2-4 सीटें निकाली वो अलग मैटर है, लेकिन फुल बहुमत तो बीजेपी को देती आ रही है और बीजेपी के प्रति लोगों का अच्छा खासा रुझान भी है, तो आपने कभी कभी ट्राई क्यों नहीं की? रामेंद्र जी के साथ भी आपने कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा दिखाई देता है, कभी उनके पास भी नहीं गए भाई मैं जिताऊ कैंडिडेट मुझे टिकट मिलनी चाहिए, पिछली बार सीताराम यादव को टिकट मिलना कहीं ना कहीं एक सोगट वाली बात थी, लोग अच्छा अंचमित हो गए जब उनका नाम की घोषणा हुई, तो उस समय कहीं ना कहीं आप भी तो ट्राई कर सकते। हाँ नहीं, अब भी मेरे को ऑफर आए बड़ी पार्टियों के, दोनों पार्टियों को ऑफर आए, पर मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो सेवा हम करना चाहते हैं वो ऐसी पार्टी के द्वारा ही सेवा करना कर सकते हैं, जो दलितों की, अनुसूचित जाति की, पिछड़ा वर्ग की सेवा में जो पार्टी संलग्न है, तो इन पार्टियों में मतलब सेवा हो नहीं सकती, इन पार्टियों में ये बड़ी पार्टी अपना जो है ना पार्टी का डिसिप्लिन थोपती हैं MLAs पर, तो MLA तो MLA होता है चाहे किसी पार्टी का हो, तो हम इस पार्टी से जीतते तो बहुत काम करके दिखाते हैं और मेरे को पता है कि काम कैसे किया जाता है, समस्या का समाधान किस ढंग से होगा, और ये अब जो इन्होंने ज़बरदस्ती जो जीत हासिल की है तो इलाका बहुत पिछड़ गया है और इलाके में जो चीज़ें हम करना चाहते थे वो चीज़ें नहीं हो सकें, क्योंकि उनको इस चीज़ों का पता ही नहीं है, वो अपनी राजनीति में ही जो है ना उलझे रहेंगे
और हाँ पैराशूट से चले जाएंगे, और उनका तो केवल कुर्सी मोह है, कुर्सी मोह है, जबकि हमारा कुर्सी मोह नहीं है। हमारा तो मतलब ये है कि भाई जनता की सेवा करनी है। और जनता मैं ये संतोष यादव और सीताराम यादव, अब आरती राव, ये दो दो विधायक पीछे आपके साथ फाइट करी और वो जीते, उनका कार्यकाल किस तरीके से देखते हो? दोनों बीजेपी की बड़ी पार्टी में थे और बड़ी लोगों ने आस्था जताई, उनको जिता भी दिया, कैसे देखते हो उनके कार्यकाल को? उनकी जगह आप होते तो आप क्या कर पाते, उन्होंने क्या किया है? नहीं, बहुत पिछड़ रहा है इलाका पिछड़ रहा है जी। मुद्दा ये नहीं है कि किसके, पर मुद्दा मतलब शुरुआत से हम देख रहे हैं, 67 में पहला इलेक्शन हुआ और 68 में राव बीरेंद्र सिंह यहाँ से MLA बने, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तब भी कोई उद्योग नहीं लगाया यहाँ, और न कोई बड़ा ऐसा इंडस्ट्रीज लगाई, न कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम बनाया, कोई स्पोर्ट्स स्कूल बनाया। तो ये जो पीरियड 67 से लेकर के 2024 तक का पीरियड का आप आकलन करोगे तो हमेशा मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, और उस ट्रिपल इंजन की सरकार में भी मतलब विधायक भी मतलब उसी पार्टी का रहा जिसकी स्टेट में सरकार है और है। तो उन्होंने, उनके ध्यान में ये बात ही नहीं कि अटेली में उपमंडल होना चाहिए। अटेली की जनता इतनी परेशान है, चौहन गांव इतने परेशान हैं कि उनको छोटे छोटे कामों के लिए नारनौल जाना पड़ता है, कनीणा आना पड़ता है, उधर बेगपुर है, गणियार है, बजाड़ है, तो ये सब अटेली के पन्ना बराबर हैं। यदि उपमंडल वहाँ बन जाए तो सबको फ़ायदा होगा, वहाँ SDM भी बैठेगा, वहाँ DSP भी बैठेगा, कोर्ट कचहरी भी लगेंगी और लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा। तो इतने साल में ये एक ऐसा मतलब अटेली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी और ब्लॉक है जो उपमंडल नहीं बना, बाकी जो गांव थे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आपका चुनाव भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपके कार्यकर्ता अभी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, ये भी बड़े मायूस हुए और बहुत मायूस हैं, बहुत इनका अभी भी हजम नहीं हो रहा, आप हार गए, इनको विश्वास नहीं हो रहा आप हार गए, लेकिन जैसे हारे कैसे हारे या आप लोगों के सामने बता ही रहे हैं भाई ज़बरदस्ती हरा दिया गया तंत्र पंत्र के साथ। अब परिसमन बदल रहा है, आप पता नहीं कहाँ होंगे, ये लोग पता नहीं कल आपके साथ दूसरी विधानसभा में चले जाएंगे, क्योंकि कनीना को विधानसभा बनाया जा सकता है 100%, बातचीत चल रही है, अटेली अलग होगा, जाटू छाना को अलग बनाया जा रहा है, रिवाड़ी में दो विधानसभा बन रही हैं, महेंद्रगढ़ में एक विधानसभा को बनाया जा रहा है, लुहारू में एक विधानसभा को बनाया जा रहा है, दादरी में एक विधानसभा को नई को बनाया जा रहा है। तो पता नहीं आप कहाँ और ये लोग कहाँ, किस तरीके से ये देखते हो? और परिसमन में जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से गांवों को काट काट के अपने लेवल पे गांव लगाए जाएंगे, हमारी सीट पक्की हो। बहुत बैड लगा, हमने मतलब ये ठान रखा था कि अगर हम होते हैं तो एक अच्छी रिकमेंडेशन चुनाव आयोग को भिजवाते डिलिमिटेशन की, हाँ, और अच्छा जनता का हित में मतलब डिलिमिटेशन बिल जो पास होता है उसका एक चेयरमैन होता है, और पहले सरकार अपनी प्रपोजल बना के देती है इसी तरह बनाओ, फिर वो देखता है। तो हम सरकार की तरफ से अगर विधायक रहते हम तो एक अच्छा मतलब रिकमेंडेशंस करवाते, वे कनीणा के साथ ये काम होने चाहिए, और उसकी फिजिबिलिटी देख करके, उसकी कनेक्टिविटी देख करके करवाते। इन लोगों को इस चीज़ का है ही नहीं। अब ये तो पीछे भी जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें मंत्री थे, मंत्री होने के बाद भी मतलब जो है ना, चौटाला सरकार भी हुआ था सर, और चौटाला सामने अपने हिसाब से गांव तोड़ तोड़ के लगाए, नहीं बाद में हुए हैं ये सब, हुड्डा के आने के बाद हुआ है, हाँ पास तो बाद में हुआ है, सरकार ने प्रपोजल ऐसी दी थी, फिर हुड्डा साहब ने अपने हित में कुछ प्रपोजल बदलवाई, रोहतक को रिजर्व कर दिया था चौटाला साहब की रिकमेंडेशन पर। हुड्डा ने, कुलदीप थे, कुलदीप सरदार कुलदीप सिंह जी, और हमारे साथ वो सीनियर एडवोकेट थे चंडीगढ़ में, जज बन गए थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो बहुत काबिल इंसान थे वो। तो ठाकुर साहब चलते चलते क्या कहना चाहोगे अटेली के लोगों को और हरियाणा के लोगों को? हरियाणा के लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, संघर्ष से ही कुछ चीज़ें मिलती हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करवाने के लिए जनता भी जो है ना तैयार है, और हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होंगे और जो है ना जनता अपने वोट का फिर इस्तेमाल करेगी और एक न्याय मिलेगा। और मैं अटेली विधानसभा क्षेत्र की भी अपनी देवता समान
जनता का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना मत दे करके बहुत भारी बहुमत से मेरे को जिताने का काम किया। परंतु सरकार ने जो ना गड़बड़ी करके, आर ओ साहब ने गड़बड़ी करके, सरकारी मशीनरी ने गड़बड़ी करके हमको जो ना पिछाड़ दिया, पीछे कर दिया, और जो हमारा सर्टिफिकेट जो हमको मिलना था MLA का वो हड़प कर ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। ठाकुर साहब अथलाल जी, आपका कीमती समय लिया। धन्यवाद सर, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। तो हमारे साथ ठाकुर अतरलाल खास बातचीत बने होते, ये जान पहचान के मोहताज नहीं, अटेली नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आजकल ठाकुर साहब की चर्चा जोरों पे है। और ठाकुर साहब ने अच्छा खासा, जीते या ना जीते ये तो भविष्य के गर्भ में है, और चुनाव तीसरी बार लड़े हैं और लड़े भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। आपकी बार मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार निर्दलीय, दो बार दलीय, और दोनों बार बहुत ज़बरदस्त कांटे की टक्कर दी है। और अब की बार इन्होंने सीधा सीधा आरोप राव साहब आरती राव पे मन दिया गया है, तंत्र मंत्र के साथ मिलकर हराया गया है। चुनाव आयोग मेरी डाल रखी है भविष्य के गर्भ में, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी, और ये चाहते कि चुनाव दोबारा किया जाए, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।